स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जावा की सीरीज़ स्टार्ट किए थे, हम जावा के बारे में पढ़ रहे थे कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने क्लियर किया था कि जावा के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो बेसिक हमारे कुछ टर्म्स थे, कंपाइलर क्या होता है, डिबगर क्या होता है, डिबगिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, लिंकिंग क्या होती है, लोडर क्या होता है, ये सब प्रोसेसेस हैं, ये टर्म्स थे हमारे क्लियर हो गए थे कैसे ये बेसिक टर्म्स होते हैं। और हमने बेसिक ये जाना था कि एरर्स जो होती हैं वो कैसे आती हैं, किन टाइप की होती हैं, सिंटैक्स एरर होती है, कंपाइल टाइम एरर में जो कंपाइल टाइम में आ जाती है, लॉजिकल एरर्स होती हैं, और कुछ ऐसे बग्स होते हैं यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को एग्जैक्टली ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करने देती हैं। तो ये हमारा बेसिक था कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमें जावा से जानने से पहले, जावा में प्रोग्रामिंग जानने से पहले हमें जानना होता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम जावा में एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। अब हम आज सीखते हैं, आज बेसिक हमारा जो होगा, आज हम छोटे से मॉड्यूल में समझाएंगे कि जावा जो है वो क्यों बनाई गई, उसकी हिस्ट्री क्या थी और क्या रीज़न थे जिनकी वजह से जावा को डेवलप किया गया, जबकि लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस इतनी अच्छी लैंग्वेजेस हैं, इतनी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, वो डेवलप थी, वो काम कर रही थी, फिर भी क्यों जावा की नीड आई, उसके बारे में आप थोड़ा सा आज बेसिक ब्रीफ में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जावा की हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ जावा की हिस्ट्री, थोड़ी सी जावा की हिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, बस बेसिक समझना है कि कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की और क्या इसके जो इम्प्रूवमेंट्स हैं थोड़े से। तो सबसे पहला जो जावा था, जावा को डेवलप किसने किया था, जेम्स गॉसलिंग ने, सन माइक्रोसिस्टम्स एक कंपनी है, सन माइक्रोसिस्टम्स का टेक्निकल बहुत बड़ी टेक्निकल कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है वैसे ही सन माइक्रोसिस्टम्स भी एक कंपनी है, जिसमें जेम्स गॉसलिंग ने अपने एक एज अ प्रोजेक्ट के रूप में जावा को डेवलप किया था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इसको डेवलप किया था। और ये कब हुआ था, ये 1995 में किया था, जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में इस प्रोजेक्ट को बनाया था। और इसका सबसे पहले बेसिक नाम क्या था, सबसे स्टार्टिंग में इसका नाम जावा नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम उन्होंने था ग्रीन टॉक रखा था, क्या नाम रखा था, स्टार्टिंग नेम ग्रीन टॉक। उस टाइम में जब जावा प्रोग्राम बनाते थे तो जावा प्रोग्राम जब सेव करते थे तो ऐसे इसी के रिलेटेड एक्सटेंशन भी थी, जैसे अभी हमारा जो सी प्रोग्राम होता है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट सी, जैसे हमें हेलो नाम का प्रोग्राम बनाया तो हेलो डॉट सी, सी प्लस प्लस की क्या होती है, अगर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हेलो का तो हेलो डॉट सी पी पी। वैसे जब ग्रीन टॉक था, जब उस जावा जो लैंग्वेज आज हम जिसको जावा के रूप में जानते हैं, वो जब एक दूसरे फॉर्म में था, ग्रीन टॉक के फॉर्म में था, तब उसका एक्सटेंशन क्या होता था, जी टी, क्या बोलते थे, हेलो, सपोज हेलो डॉट जी टी। तो ये था जावा का इनिशियल नाम था ये, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, हमने बेसिक में हमें एकदम डिटेल में जाना है, फिर उसके बाद इसका नाम लिख दिया रख गया था ओक, ओ ए के, ओक इसका नाम रख दिया गया था जावा का, जो अब हम जिसके हम जावा के रूप में जानते हैं, जो ग्रीन टॉक प्रोजेक्ट था उसका नाम क्या रख दिया गया था, ओक रख दिया था। और उसके बाद में फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुए, जो थोड़ा उनको सबको नाम नहीं सही लगा कि ओक नाम नहीं सही है, तो एक यूनिक नाम ढूंढा गया जावा। और जावा ये ध्यान रखना, जावा एक कोई एक्रोनिम नहीं है, ऐसा नहीं कि जावा मतलब ऐसे कुछ होता है कि जे कुछ फुल फॉर्म है, ए भी है, जे ए वी ए सबका कोई फुल फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जावा पूरा एक नेम है, एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, जो कि उस टाइम पे ऐसे हिस्ट्री है कि उस उनके जेम्स गॉसलिंग के घर के बाहर ही जावा जो ट्री थी वो उसका पेड़ था, वहाँ पे जो बीन्स होते हैं, जावा एक टाइप की बीन्स हो रहते हैं, आप हिस्ट्री में नेट पे सर्च कर सकते हैं पूरे इस डिटेल की, मतलब क्या उनके दिमाग में क्या प्रोसेस चलता था जिसकी वजह से उनका इसका नाम जावा रखा था। एक कोई बीन होती है उसका नाम था, उसी के नाम पे पड़ा था, एक कॉफ़ी जैसा जावा। तो ये बेसिक था कि 1996 में, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1996 में जावा का पहला वर्जन आ गया था, जिसको जे डी के 1.0 कहते हैं, 1.0 कहते हैं। लेकिन बेसिक इसका वर्जन कब स्टार्ट कब हुआ था, इसका फाउंड जो है फाउंडेशन कब हुई थी, 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स में जेम्स गॉसलिंग ने, क्या हुआ था ये हटाते हैं और पूरा एक जगह लिख देते हैं, बेसिक कब हुआ था, व्हेन, इसका आंसर क्या होगा 1995, इसका आंसर क्या होगा 1995 में, कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ कौन सी लैब थी, तो ये सन माइक्रोसिस्टम्स की लैब में, सन माइक्रोसिस्टम्स में, सन माइक्रोसिस्टम्स में,
सन माइक्रो सिस्टम्स में कौन था, मतलब इसका कह सकते हैं कि हेड कौन था जिसने प्रोजेक्ट को पूरा स्टार्ट किया था? जेम्स कोस ने। ये बेसिक है जो आपको हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ भी ले, या कहीं पे आपको ये बेसिक नॉलेज है थोड़ा आपने दिमाग में रखना चाहिए कि जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स में जावा का जो डेवलप है वो बेसिक स्टार्टिंग वर्जन जावा का रखा था। और 1995 में ये हुआ था, 1996 में जावा का पहला वर्जन आ गया था। वो कौन सा था जो फर्स्ट वर्जन था, कौन सा था फर्स्ट वर्जन इन 1996 में पहला वर्जन आया था, कौन सा था? JDK 1.0। अब JDK क्या है यहाँ पे? JDK का क्या मतलब है? जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट ये क्या था? क्या JDK क्या होता है? ये एक ऐसा, मतलब कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे JVM भी होता है और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका एक कॉम्बिनेशन था, एक ग्रुप था जिसको मिलाकर जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम सेट कर देते थे जिस पे हम जावा के प्रोग्राम्स लिख करके उसको एग्जीक्यूट करा देते थे अपने JVM पे। तो उस पूरा जो प्रोग्राम्स को डेवलप करने का, जावा प्रोग्राम को एक डेवलप करने का, बनाने का जो पूरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती थी उसको पूरे को सेट करते थे, उसको क्या नाम था? JDK, यानी जावा डेवलपमेंट किट। तो सबसे पहला जो आया था 1996 में आया था, उसको क्या नाम था, कौन सा वर्जन था? JDK 1.0 सबसे पहला ही था, जावा 1.0 JDK जो, यानी जावा डेवलपमेंट किट 1.0 उसका वर्जन था। और जो करंट वर्जन चल रहा है इस समय, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, वो कौन सा है? JDK 15 है। JDK 15 15वां वर्जन कह सकते हैं कि 15वां वर्जन है। और उसका नाम क्या है वो, मतलब कब उसका हुआ था वो? 15 सितंबर 2020 में जो करंट वर्जन है, करंट वर्जन JDK का करंट वर्जन है वो कौन सा है? JDK 15 JDK 15 और ये कब हुआ था, कब रिलीज हुआ है? सितंबर 2020 के 15 सितंबर को इसको रिलीज किया है JDK 15। ये जावा का लेटेस्ट वर्जन है। पहला वर्जन कब आया था? 1996 में JDK 1.0। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री जावा की। अब हमें देखना है कि क्यों जावा था, जावा इतनी पॉपुलर क्यों हुई, क्यों इसको बनाया गया था और इतनी, ये इतना पॉपुलरिटी कैसे गेन कर ली जावा, क्या रीजंस थे कि और सारी लैंग्वेजेस उतनी नहीं जा पाई इतनी जावा, और जावा की बेसिक नीड क्या थी जावा को बनाने की। तो उस समय ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, उस समय जो जब जावा का डेवलपमेंट हुआ तो इंटरनेट बहुत तेज से चल रहा था। इंटरनेट एक स्टार्टिंग हुई थी कि सबको इंटरनेट एक्सेस होना था, सबके पास इंटरनेट, सबके पास कंप्यूटर्स आने लगे थे, जनरल पब्लिक को कंप्यूटर्स अवेलेबल होने लगे थे और वो इंटरनेट यूज़ करना चाहते थे। तो एप्लीकेशंस होती हैं या कोई प्रोग्राम्स होते हैं उनको रन करना, कंप्यूटर क्या है, इंस्ट्रक्शन समझता है। तो जब इंस्ट्रक्शन हम नेटवर्किंग से जुड़ेंगे, नेटवर्क से जुड़ेंगे, तो उनको इंस्ट्रक्शन नेटवर्क से मिलेंगे, जो नेटवर्क के प्रोग्राम्स रहेंगे जो उनको रन करना रहेगा। सपोज एक वेब ब्राउज़र है जिसको, तो वेब ब्राउज़र जब काम कर रहा है तो उसको एक फाइल्स जो मिल रही हैं वो नेटवर्क से आती थी, ऑनलाइन इंटरनेट से, और इंटरनेट से जो फाइल्स आती थी तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जो लैंग्वेजेस उस समय जैसे सी थी, C++ थी, ये सब लैंग्वेजेस क्या थी, इनका प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब कि जब हम प्रोग्राम एक पर्टिकुलर मशीन के लिए लिख देते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे मशीन पे भी वो प्रोग्राम रन करे। वहाँ पे वो आर्किटेक्चर अगर उसका चेंज हो जाता है, यानी मशीन का टाइप चेंज हो जाता है, अगर उसका मॉडल चेंज हो जाता है, उसमें प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है 32-bit है, 16-bit है, उसका अगर वो चेंज हो जाता है, आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है, या अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, अगर लिनक्स है उससे विंडोज़ पे चला गया, या विंडोज़ से अगर यूनिक्स पे चला गया, तो वहाँ पे भी ये सब प्रोग्राम जो होते थे ये रन नहीं हो पाते थे। एक बार आप मोबाइल कंपाइल कर दीजिए तो वो उसी सिस्टम के लिए कंपाइल हो जाते थे, दूसरे के लिए रन नहीं होते थे। तो ये प्रॉब्लम थी जो फेस हो रही थी वहाँ पे, जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा था। वहाँ पे ही जावा को इसी पॉइंट में ध्यान रखने के लिए, नेटवर्किंग को ध्यान रखने के लिए जावा का डेवलप हुआ, नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से। क्यों?
क्योंकि वही एग्जाम्पल की वही हमारा फैक्ट है कि जावा जो है वो जब कंपाइल्ड होती है तो बाइट कोड में होती है, और बाइट कोड क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो जावा का एक फीचर ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जो सबसे बड़ा इसका रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न था कि जावा इतनी पॉपुलर हुई और जावा इतनी तेज़ डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोग्राम्स हम लिखते थे वो जब कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि कैसे कंपाइलेशन होके वो बाइट कोड एक आता है, जिसमें जो बाइट कोड को जब एग्जीक्यूट होना होता है तो JVM से वन बाई वन इंटरप्रेट होके जाता है, सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है। तो जावा प्रोग्राम्स कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में एग्जीक्यूट बाइट कोड में कन्वर्ट होते थे, वो बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता था, मतलब कि वो डिपेंड नहीं करता था कि हम किस सिस्टम पे बैठ के, वो 32 बिट है या 64 बिट है या 16 बिट है, जिस पे हमने उस प्रोग्राम को बनाया है, उस प्रोग्राम को कंपाइल किया है JDK लगा के, उससे हमें मतलब नहीं है। वो जो प्रोग्राम फाइनल हमारा कंपाइल होके आता है, जो जावा की डॉट क्लास फाइल आती है कंपाइल होने के बाद में, कंपाइलेशन के बाद में, वो प्रोग्राम होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। वो किसी भी मशीन पे, आप एंड्रॉयड पे चला रहे हैं, उससे आप जाके एक विंडोज पे मशीन पे चलाएं या एक लिनक्स के सिस्टम पे चलाएं, सब पे वो प्रोग्राम रन हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोई भी चीज़ें नहीं थी कि ये 64 बिट पे चलेगा या 32 बिट पे चलेगा। उसके बाद क्या होता है, जब जनरेट हो जाता है कंपाइल होने के बाद में, तब जो फाइनल होता है, जब JVM उसको एग्जीक्यूट कराती है, तो ये काम JVM का होता है कि आप JVM को ड्यूटी रहती है कि वो देखे कि उसमें किस प्लेटफॉर्म पे वो JVM इंस्टॉल्ड है, और उस बाइट को वो उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करती थी। तो इसीलिए जावा में दो स्टेप होते हैं, एक जो स्टेप होता है कंपाइलेशन का, वो स्टेप बाइट कोड जनरेट करता है, वो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और जो दूसरा स्टेप होता है जो JVM के थ्रू जाता है, वो वहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का उल्टा, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मतलब उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, उस प्लेटफॉर्म के टारगेट करते हुए जो आगे आउटपुट जनरेट करता था, जो कि उस प्लेटफॉर्म पे जाके एग्जीक्यूट होता था। इसीलिए जावा जो था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। और भी ये थे जो हुआ उस समय, यही था कि वेब और ऐप्स जो हैं, वेब ऐप्स जो हैं और एप्लेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे ऐप्स होते हैं, ये रन कराने के लिए बाकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती, जावा ने जैसे ये फीचर दिया कि आप एक बार अपने प्रोग्राम को आप यहाँ से कंपाइल कीजिए, आप उसको नेटवर्क पे डाल दीजिए, इंटरनेट पे डाल दीजिए, वो किसी भी सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे जैसे ही जावा JDK अगर वहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा, यानी वहाँ पे अगर JVM होगा उस सिस्टम पे, जैसे मिलेगा वो JVM उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। आपको ये सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है कि ये उस प्लेटफॉर्म पे रन करेगा या नहीं करेगा, ये श्योर है कि अगर आपने यहाँ पे किया है उसमें JVM है तो प्रोग्राम वहाँ पे भी रन करेगा। तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसे बन गई कि अगर आप विंडोज़ के कंप्यूटर पे चला के इसको कर रहे हैं, विंडोज़ कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके आप JDK वहाँ पे आपने कंपाइल किया है जावा प्रोग्राम लिख करके, उसको आप किसी और सिस्टम को दे रहे हैं, वो एंड्रॉयड सिस्टम है मान लीजिए, या एंड्रॉयड नहीं है, यूनिक्स का सिस्टम है, वहाँ पे उसको कोई समस्या नहीं है, वो आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उसमें JVM इंस्टॉल है तो आराम से वहाँ पे वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, और जो एग्जीक्यूशन होगा वो उस मशीन के लिए होगा और उस मशीन पे आराम से इजीली चल जाएगा। इसीलिए जावा का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और दूसरा इसका था कि इसके प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम होते हैं। इनका मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम्स हैं उनको किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जो लाइब्रेरीज होती हैं वो JVM में, जो JVM है, जो वर्चुअल मशीन है, जो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जिसमें प्रोग्राम्स रन करते हैं, उनमें इनबिल्ट होती हैं। तो लाइब्रेरीज आप यहाँ पे एक बार इंक्लूड कर दें, एक बार लाइब्रेरीज को आप यूज़ करेंगे तो आराम से उस प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहेंगी, और जहाँ भी आप सिस्टम में जब जाएगा उस सिस्टम पे इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन प्रोग्राम्स को किसी और एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, अपने आप में पूरे कंप्लीट एप्लीकेशंस होते हैं। और पोर्टेबिलिटी, यही इशू, यही सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो वहाँ पे था कि पोर्टेबिलिटी नहीं थी लैंग्वेजेस में, मतलब कि जो प्रोग्राम हम C या C++ में लिख देते थे वो उसी सिस्टम में चलती थी। जावा ने दिया अलग अलग सिस्टम पे, आप जिस सिस्टम पे चाहिए उस सिस्टम पे आए, तो वो जावा के प्रोग्राम्स पोर्टेबल होते थे। और क्या था, सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमने बताया था उस दिन, डिस्कस किया था कि JVM जो होता है, लेयर होता है बीच में, कंपाइलर जो कंपाइलर जनरेट करता है, ये बाइट कोड जो जनरेट करता है बाइट कोड, ये सीधा मशीन से इंटरेक्ट नहीं करता है, ये पहले जाता है JVM के पास में, और JVM इसको इंटरप्रेट करता है वन बाई वन, लाइन बाई लाइन करके, और उसके बाद करता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा कोड होगा हमारा जो कि हमारे मशीन को हर्ट कर सकता है, नुकसान कर सकता है, प्रोसेसर को
सपोज वो दिक्कत कर सकता है प्रोसेसर के लिए, वहाँ पे स्टक कर सकता है प्रोसेसर को, वहाँ पे JVM उसको तुरंत यहीं पे ब्लॉक कर देगा और किसी भी तरह की सिक्योरिटी इश्यूज नहीं आएंगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे JVM तुरंत उस प्रोग्राम को वहीं पे ब्लॉक कर देगी, आगे नहीं एग्जीक्यूट करने देगी। बाकी लैंग्वेजेस से आप जो लिखते हैं वो सीधा जाके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है, सीधा आके आप प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होता है। वहाँ पे आप ऐसे कोड लिख सकते हैं जो कि सिस्टम को परेशान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन JVM में ऐसा फीचर्स है, ऐसे फीचर्स हैं कि जो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं है। जैसे इस बाइट कोड में कोई सिक्योरिटी इशू रहेगा, इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में बंद हो जाएगा। और यही जो एक जावा में एक और फीचर आया एक्सेप्शन हैंडलिंग का, हमने उस दिन डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं। वो ऐसे रन टाइम एरर्स होती हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ऐसा होना है, ऐसा प्रोग्राम में हो सकता है, लेकिन वैसे सिचुएशंस आ जाती हैं। उनको हैंडल करने के लिए जावा में क्या था, एक्सेप्शंस थे। वो जावा प्रोग्राम एक्सेप्शंस थ्रो होता है और उन एक्सेप्शंस के मदद से आप उस प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा सकते हैं। और वहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन यहाँ पे कॉज होती है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि जावा के प्रोग्राम जो हैं वो रोबस्ट होते हैं, रोबस्टनेस होती है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो फीचर्स हैं जिनकी वजह से जावा के हुए फीचर्स जो बेसिक थे जिनकी वजह से जावा पॉपुलर हुआ, जिनके लिए उसको बनाया गया, क्या था, पोर्टेबिलिटी, मतलब पोर्टेबल है, इसी को आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि ये प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट नहीं है, आप किस मशीन पे लगाए हैं, किस मशीन पे इसको रन कराए हैं, कंपाइल कराए हैं, उससे इसको कोई इंडिपेंडेंट। जावा प्रोग्राम्स सिक्योर होते हैं, सिक्योरिटी ये भी था, क्यों, क्योंकि ये JVM में एक एक्स्ट्रा लेयर देती है। और बहुत सारी ऐसे फंक्शनलिटीज होती हैं जिनसे जावा प्रोग्राम बाकी लैंग्वेजेस कंपैरिजन में जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है। और रोबस्टनेस, रोबस्टनेस ये भी एक ऐसा इशू है जो कि उस टाइम पे फेस कर रही थी लैंग्वेजेस, कि रोबस्ट नहीं होती थी, मतलब अगर वहाँ पे जो एक्सेप्शन कॉज हो जाते हैं, मतलब सपोज आप एक यूज़र से मांग रहे हैं कि एंटर योर एज, आप एज मांग रहे हैं यानी एक नंबर मांग रहे होंगे, और यूज़र ने वहाँ पे एक स्ट्रिंग एंटर कर दी, गलती से अपना नाम एंटर कर दिया, वहाँ पे प्रोग्राम्स क्रैश हो जाते थे। वहाँ पे जावा ने जो फीचर दिया एक्सेप्शन हैंडलिंग का, मतलब एक्सेप्शंस वहाँ पे दिए कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई है कि इंटीजर एंटर करना, आप कोई नंबर मांग रहे हैं यूज़र से और यूज़र ने गलती से कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग डाल दी वहाँ पे, कोई वर्ड वहाँ पे एंटर कर दिया, तो वहाँ पे आप प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, आप उसको वहाँ पे रोक के फिर से चाहें तो आप प्रोग्राम वहीं एग्जिट करा दें, या यूज़र को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि भैया आपने गलत इनपुट दिया है, ये फिर से इनपुट कीजिए, आपने नाम दे दिया या आपने एक गलत वैल्यू दे दी है हमको, हम ये वैल्यू नहीं चाहते, हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए। तो ये ऐसे फीचर्स थे जिनकी वजह से जावा ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, और ऐसे ही इन्हीं फीचर्स की वजह से, इनको इन्हीं फीचर्स की कमी थी उस टाइम पे जिसकी वजह से जावा को डेवलप किया गया था, इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया था कि इन्हीं कमी को दूर किया जा सके, आराम से पोर्टेबल ऐप्स बनाए जा सकें, ऐसे एप्लीकेशंस बनाए जा सकें, ऐसे प्रोग्राम्स लिखे जा सकें जो अगर हम एक सिस्टम पे बना रहे हैं, एक सिस्टम पे लिख रहे हैं, तो आराम से जाके वो किसी भी दूसरे सिस्टम पे रन हो सकें। तो ये था, अब हम थोड़ा देखते हैं कि जावा क्या जो फीचर्स हैं जावा के, जो कि इस समय है जो मेन जावा को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ये तो वो फीचर्स हैं जो उस समय ज़रूरत थे, जो उस समय ज़रूरी थे कि उनके बिना जावा का, मतलब जो प्रोग्राम्स होते थे वो रन नहीं हो पाते थे, तो जावा ने उन इश्यूज़ को दूर किया। अब हम देखते हैं कि फ़ीचर्स क्या क्या हैं, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं इस समय, या ऐसे फीचर्स जो जावा में प्रोवाइड किए गए हैं जो इसको बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बनाते हैं, ऐसे हैं जो इनको एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और यूनिवर्सली यूज्ड लैंग्वेज बनाते हैं, कि जो हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह यूज होता है। तो उनमें से हमारा सबसे पहला जो है, ये तो स्टार्टिंग में इसकी बहुत ज़रूरत थी, और स्टार्टिंग में ज़रूरत के वजह से जिसकी वजह से जावा को बनाया गया था, इसका जो मेन कहते हैं सोल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का अभी बेसिकली आप इतना मतलब समझिए कि हम हर प्रोग्राम में हम हर ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हर चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रीट करने का क्या मतलब है? उसका रियल वर्ड से कोई ना कोई रिलेशन रहता है। रियल वर्ड की चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए इन फीचर्स का यूज, जावा का यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और क्यों यूज़ होता है, इसको आगे हमारा टॉपिक होगा। फिलहाल ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स अगर हैं, वो मतलब उनका क्या है कि वो जो होंगे प्रोग्राम्स, वो एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जो रियल वर्ल्ड की एक पर्टिकुलर कोई एंटिटी होगी, रियल वर्ल्ड में उसका कुछ एग्जिस्टेंस होगा, उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। और वहाँ पे एक हम बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक बेसिक मॉडल बना देते हैं, और उन्हीं के मॉडल से, एक बेसिक मॉडल सपोज हमारी ये बन गई, और इन्हीं मॉडल से हम इसी मॉडल को एक्सेस करके हम बेसिक इसके वेरियस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि उसके अलग अलग इंस्टेंसेस, अलग अलग पार्ट्स हैं छोटे छोटे, उसी के मॉडल बना सकते हैं कि जो इन्हीं को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि अगर यहाँ पे हम इसको बनाते हैं तो इस जो मॉडल होता है, जो बेसिक मॉडल, इसे बोलते हैं हम क्लास। इसे हम क्या बोलते हैं, जो बेसिक मॉडल हमारा होता है इसे क्या बोलते हैं, क्लास। और इन क्लास से जो हम वेरियस इंस्टेंसेस बनाते हैं उसके, उनको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये क्लास से हम बेसिक जो अलग अलग इंस्टेंसेस उसके बनाते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि क्लास और ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्लास क्या है, कार। सपोज हमने एक प्रोग्राम बना दिया जो कि कार के फीचर्स से डील करेगा, उसको कार को कैसे, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें स्टीयरिंग है, उसमें कितने व्हील्स हैं, कैसे वो ड्राइव, मतलब क्या क्या उसमें है ड्राइव करने के लिए, फ्यूल कैसा लगता है, ये बेसिक करेगा। और एक जो उसके रिलेटेड फंक्शंस होंगे कि मतलब कार को ड्राइव कैसे करना है, कार को उसमें रिफ्यूलिंग उसकी कैसे करनी है, या बैटरी उसकी रिचार्ज कैसे होनी है, उन सब बेसिक से डील करेगा। अब हम इसी को बेसिक, अगर इनको यूज़ करके, इसी मॉडल, बेसिक मॉडल को यूज़ करके हम कई अलग अलग तरह के कार्स बना सकते हैं। जैसे कि कार जैसे एक होगी, आप सब सपोज मारुति की हो गई, एक स्विफ्ट हो गई, और सपोज इसी में टाटा की भी कोई कार है। अब ये क्या है, ये सब एक बेसिक मॉडल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार को। कार क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें व्हील्स होते हैं, चार व्हील्स होते हैं, एक स्टीयरिंग होती है, उसकी रिफ्यूलिंग होती है, ये एक बेसिक मॉडल है। और उसी बेसिक मॉडल को यूज़ करके हम अलग अलग टाइप की कार्स बना सकते हैं। मारुति कार, स्विफ्ट है, टाटा या और भी कोई कार है, उनमें सब में, अब इस कार में और इस कार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। व्हील सपोज सेम है कि चार व्हील्स हैं, किस टाइप के व्हील्स हैं, उनकी ड्राइविंग कैसे होती है, रिफ्यूलिंग कैसे होती है, सीट का अरेंजमेंट कैसा है, वो सब अपने अपने अलग होंगे, लेकिन जो बेसिक मॉडल है वो सेम रहेगा एक कार का। तो इन सब में कार के वो जो बेसिक फीचर्स यहाँ पे थे वो तो रहेंगे, अपने कुछ अलग फीचर्स भी रहेंगे जो कि इनको डिफाइन करेंगे। इसीलिए कार जो होगा एक बेसिक मॉडल हो गया, उसको क्या कहेंगे हम, क्लास। और उस क्लास के हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे जो भी अलग अलग अपना बिहेवियर अपने तरीके से शो करेंगे। जो उनका बिहेवियर होगा वो डिपेंड करेगा कि उनमें किस टाइप के वेरिएबल से हमने उनको रिप्रेजेंट किया है, किस टाइप की वैल्यूज उनमें आ रही हैं। सपोज जो इस वाली कार है, ये वाली कार है, इसमें जो इसके जो फ्यूल टैंक है वो 100 लीटर्स का है, सपोज वो 100 लीटर्स का है, फ्यूल टैंक इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि ये इस बेसिक मॉडल से ही बने हैं। ये जो दोनों कार्स हैं ये इस बेसिक मॉडल कार से ही बने हैं, लेकिन इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 100 लीटर्स थी, इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सपोज 150 लीटर्स, इसकी 100 थी, इसकी 150 लीटर्स। अब इन दोनों को अलग अलग हो गई, मतलब जो वैल्यूज हुई इनकी, जो प्रॉपर्टीज हुई वो अलग अलग हो गई, लेकिन जो बेसिक मॉडल उनका था वो यही था। और इसी प्रोसेस को, इसी जो मॉडल है यही, कि एक बेसिक मॉडल बना के उसके हम कई सारे इंस्टेंसेस बना सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आगे हम क्लास में पहले यही डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और कैसे यूज़ होता है, उसकी रियल वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद हम आगे जावा की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो आगे की फीचर्स हैं जावा के, जो इतने जावा को पॉपुलर बनाते हैं। आगे क्लास में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड